खबर चंपावत से है, जहां अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरने पर गुरिल्ले बैठ गए हैं। जी हां, पिछले 17 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे गुरिल्लाओं की मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है और मांग पूरी नहीं होने से आक्रोशित एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने सोमवार से गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष चंपावत ललित बगौली के नेतृत्व में गुरिल्ला धीरज पुनेठा ने लोहाघाट गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के नीचे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दूर दूर इलाकों से आए गुरिल्लाओं ने नारेबाजी की और सरकार से कहा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। गुरिल्ला धीरज को माला पहनाकर धरने पर बिठाया गया। गुरिल्ला धीरज ने कहा कि उत्तराखंड में गुरिल्लाओं के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि मणिपुर में सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन दे दी है। उन्होंने कहा कि जब एक देश में दो कानून चल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, और अगर मणिपुर में गुरिल्लाओं को नौकरी दी जा सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि नौकरी की इस मांग जब तक ये पूरी नहीं हो की जाएगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके पास जो कुछ है वो पाने के लिए ही है, खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर गुरिल्लाओं की मांगों के साथ उनकी जान भी चली जाती है तो उन्हें मंजूर है। एक देश में दो नीति लागू नहीं होनी चाहिए, जैसे मणिपुर में दिया है वैसे हमारा भी राज्य है, हम भी भारत के हैं। तो फिर उत्तम संघर्ष आपके, जैसे और को दिया वैसे हमको भी दिया जाए, तो आएगा जब तक मांग हमसे वार्ता नहीं हो। उधर गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष ललित बगौली और गुरिल्लाओं ने एक सुर में कहा कि पूरा गुरिल्ला संगठन धीरज के साथ उनके पीछे खड़ा है, उनकी मांगे पूरी न होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। सरकार हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है। सरकार द्वारा गुरिल्लाओं की मांगे मानना तो छोड़, बार बार सिर्फ सत्यापन का काम ही कराया जा रहा है। जाहिर है सरकार की नीयत में खोट है। गुरिल्लाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 लोकसभा चुनाव में गुरिल्ला सरकार को सबक सिखा देंगे। उनका कहना है कि 17 साल पुराने इस आंदोलन के दौरान कई गुरिल्लाओं की मौत भी हो चुकी है। गुमराह कर रही है, ऐसे सत्यापन करते बंदे हुए हमारे गरीब आदमी आ रहे हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, जो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं वो भी सत्यापन करने के लिए दौड़े हैं, और हम लोगों का लंबा समय हो गया लगातार सरकार हमको गुमराह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि हमारे जो यहाँ पुनेठा जी हैं, धीरज पुनेठा जी हैं, लंबे समय से बेचारे आंदोलन करते आ रहे थे और उन लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो इनने ही हमारे जो आंदोलन की नींव है इन्होंने ही शुरू की थी, और यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन की नींव को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग जहां तक है सफलता लेकर के, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक उठेंगे नहीं, कह रहे हैं। धीरज का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि लंबे समय से हम लोगों के साथ लगे हुए हैं। सुनो, गुरिल्ला संगठन जो है धीरज पुनेठा जी का पूरा समर्थन करता है और गुरिल्ला और धीरज पुनेठा जी को आभार व्यक्त करता है कि हमारे लिए वो लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। भैया धीरज का हम सभी गुरिल्लाओं का सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, और हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि विनय पूर्वक हमारी मांगों को, जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण की जाए। मैं इसलिए कहना चाहते हैं कि हमको एसएसबी संघर्ष में लेकर के हमको सीआरपीएफ में भी भेजा गया था, आंदोलन 1984 में हो चुका था हमारे भारतवर्ष में, तो हमारा यह मांग है कि हमारे को तब से आश्वासन दे रखा है कि तुम्हारे को रुपया दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। 1984 में भी हमको लिया गया था, उसके बाद हमें 86 तक रखा, हमको छोड़ दिया गया सर, यह क्या। गौरतलब है कि गुरिल्ला नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर उत्तराखंड में पिछले 17 सालों से संघर्ष पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, और 17 सालों से गुरिल्लाओं का नौकरी और पेंशन के लिए संघर्ष लगातार जारी है। यूपी न्यूज 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।